नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 29 दिसंबर के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:29 से लेकर 12:53 तक। और राहु काल, जिसे हम अशुभ काल भी कहते हैं, वो है सुबह 9 से लेकर 10:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा या चंद्रमा संपूर्ण दिन कन्या राशि में भ्रमण करेगा। यही चंद्रमा शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है और गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा और रापी के राशि के अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग और भाग्य भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो आज का दिन काफी मायनों में स्थिर होगा, शांत होगा। फिर भी जहां पर आप काम करते हो, वहां पर के जो आपके औहदे के नीचे काम करने वाले जो लोग होंगे, उनके साथ थोड़ी बहुत आपकी अनबन तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके बारे में थोड़ी परेशानी आपको जरूर हो सकती है, वो विचार आपके मन में आ सकते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। सेहत के बारे में कुछ ना कुछ छोटे मोटे लक्षण है वो आपको दिखाई दे सकते हैं, वही बात है। नहीं तो आज का जो आपका दिन है, वैसे देखा जाए मोटे तौर पर तो शांत ही बीतने वाला है। उसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपी के सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके लिए भी वैसे देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा, शुभ होगा। किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम या बड़ी ऐसे कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं आएंगे। जिस तरह से जीवन चल रहा है उसी तरह से बात आगे बढ़ेगी। जो भी आप रोजमर्रा के जो काम रहेंगे आपके, वो अच्छे तरह से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका जो मूड होगा वो भी आनंदी होगा, शांत होगा। तो मेरे ख्याल से आज का दिन आपके लिए, वृषभ राशि के लिए कोई भी हो, मतलब वृषभ राशि के व्यक्ति अगर वो काम पे जाने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, गृहिणी हो या फिर विद्यार्थी वर्ग हो, सभी के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके लिए आज का जो दिन है संपूर्ण, वो थोड़ा आराम करने वाला दिन है। किसी मतलब ज्यादा आज आप कुछ काम नहीं करोगे, मतलब आपको मन से लगेगा कि थोड़ा बहुत आराम किया जाए, क्योंकि पिछले करीबन 2-3 दिन में आपने थोड़ा बहुत आराम किया, आपने बहुत सारा काम किया होगा, जिसकी वजह से आज के दिन थोड़ा आराम करना पसंद करोगे। और बाकी तौर पर भी देखा जाए तो आज का आपका दिन बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपी के पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आपके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा काम करने वाला है, मतलब आप बहुत ज्यादा काम करोगे। यदि आप व्यवसायिक हो या फिर आप कहीं काम पे जाते हो, अगर आप गृहिणी भी हो, विद्यार्थी वर्ग के लिए खास करके आज का दिन है वो दिन बहुत बिजी हो सकता है, बहुत ज्यादा आप एक्टिव हो सकते हो। और वह जो बिजीनेस है, मतलब वह जो एक्टिवनेस आप में आ रहा है, उसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे, मतलब जो आप काम करते हो उसमें पूरी तरह से आनंद लोगे। इसी की वजह से दिन जो कैसे आया कैसे गया इसके बारे में पता नहीं चलेगा। हालांकि आप पूरी तरह से आज के दिन बिजी रहने के बहुत अच्छे चांसेस है। छोटे मोटे आपके जो ट्रैवलिंग है वो आज के दिन हो सकती है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो आज का आपका दिन आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आज के दिन किसी ना किसी प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, आपे के चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके पंचम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो आज का आपका दिन अच्छा ही होगा, खास करके धन के मामले में, मतलब सेविंग्स के मामले में या फिर घर के जो बातें होती हैं उसके लिए भी आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। शांत तरीके से आज का दिन बीतने वाला है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है, तो घर से भी आपको आज अच्छी तरह से मदद मिल सकती है। तो जो आपका मूड रहेगा वो मूड आज के दिन हैप्पी अच्छा रहेगा। गृहिणी वर्ग और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी करीबन इसी प्रकार का आज का दिन बीतने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आज का आपका जो दिन होगा, मतलब आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा
लाभ योग करने जा रहा है, आपके चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है, तो बहुत अच्छा और शुभ दिन होगा। हालांकि आज आप थोड़ा बहुत एक्टिव हो सकते हो और जहां पर भी जाओगे आप किसी की मदद के लिए, किसी के और मतलब मदद के लिए जाओगे तो आप आज आपको अच्छी तरह से मदद मिल सकती है। डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी काम हो, मतलब अगर आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट्स के आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हो तो आज के दिन वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा काम करना, मेरे ख्याल से आज आपको अच्छे से रिजल्ट आ सकते हैं। उसी प्रकार कहीं से अगर आपको कॉल या फिर फोन कॉल या फिर जो आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो बात आज के दिन आपकी हो सकती है, उसके लिए आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। उसी प्रकार आगे आने वाले काम की कुछ रूपरेखा आज आप बना सकते हो तो वो भी मतलब पॉजिटिव ही होते हुए नजर आएगी। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के वैय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग और आपके तृतीय भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। थोड़े बहुत आप जहां पर काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आप जैसा चाहते हो उस तरह से नहीं हो रही है, बस यही छोटे मोटे कारण रहेंगे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत ऐसा स्ट्रेस वगैरह आप नहीं लोगे, लेकिन वहां पर की जो परिस्थितियां वो परिस्थितियां आप जैसा चाहते हो उस तरह से न होने का कारण थोड़ा बहुत उसके बारे में आपके मन में विचार आ सकते हैं। हालांकि ये जो विचार रहेंगे सिर्फ आज के दिन के लिए होंगे, कल से ये सभी बातें नॉर्मल भी हो जाएगी, सिर्फ यही बात थोड़े बहुत आज पूर्ण दिन आपके मन में रह सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो जो भी आपके पेंडिंग्स आपके जो काम है या फिर पेंडिंग आपकी जो बातें हैं वो आज के दिन पूरे होने की पूरी तरह से आसार है। आज का आपका जो दिन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। प्रत्यक्ष लाभ के बारे में भी जैसा आप सोचते हो उसी प्रकार से काम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपका जो मूड होगा वो भी बहुत ही हैप्पी हो रहेगा। और आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे जो बातें हैं वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा। हालांकि आपका जो मूड है वो आप दिखाते नहीं, आप आनंदित हो या फिर थोड़े बहुत प्रॉब्लम में हो तो भी आपका मूड दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से आप फील करोगे कि जिस तरह से जिंदगी बीतनी चाहिए उसी तरह से काम आपके आयु ये जीवन में हो रहे हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके वैय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपका कार्य क्षेत्र कौन सा भी हो, मतलब अगर आप गृहिणी हो तो घर के मामले में, अगर आप कहीं पर काम पर जाते हो, ऑफिस में जाते हो वहीं का जो माहौल होगा, अगर आपका कोई व्यवसाय है या फिर आप अगर विद्यार्थी हो, सभी के लिए आज का दिन है जो थोड़ा सा बिजी वाला रहेगा। मतलब बिजी तो रहोगे लेकिन मन में एक ऐसे थोड़ी बहुत स्ट्रेस हो सकते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो वो पूर्णत्व में नहीं जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। इसकी सही वजह आपकी राशि जो 7.5 में चल रही है इसी के कारण आपको ये अनुभव हो रहे हैं, लेकिन यह जो प्रॉब्लम्स है यह जो देखिए ये 7.5 हर एक को इस 7.5 से जाना होता है, तो थोड़ा मायूस नहीं होना। ऐसे मतलब महीने में कई ऐसे दिन आते हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको प्रेशर या स्ट्रेस सहना पड़ता है, उसी प्रकार का आपका आज का दिन होगा, लेकिन ये जो प्रेशर या स्ट्रेस है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जब भी काम है मन में एक ही बात रखना कि हमारे 7.5 चल रही है, हमारे दिन इतने अच्छे नहीं है, तो फिर थोड़ा स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है। यही बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो इसकी ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन आपको नहीं आएगी। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके व्यय भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो आज का आपका दिन बहुत अच्छा होगा। आप अगर आप विवाहित हो तो आपके वैवाहिक जोड़ीदार के जो हारमोनी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, उनसे आपको कुछ सलाह मिल सकती है, मदद मिल सकती है या फिर आप उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो आज का दिन अच्छा होगा। ट्रैवलिंग के बारे में कोई योग बनते हैं, जो ट्रैवलिंग आप करोगे वो मतलब पॉजिटिव भी हो जाएगी, तो कई महीनों में आज का आपका दिन वो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में से चंद्रमा का जब भ्रमण हो रहा है और आप ही के दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपके सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
जहां पर आप काम करते हैं वहां पर निम्न स्तरीय जो लोग होंगे उनसे कुछ बातें या कॉम्प्लिकेशन आप हो सकती है। काम में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, काम के बारे में थोड़े बहुत इधर उधर बातें हो सकती है, तो वही बातें हैं। ज्यादा स्ट्रेस वाला टेंशन वाला दिन नहीं है। आप अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो इन-लॉज होंगे मतलब आपके ससुराल के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वह बहुत अच्छी होती हुई नजर आएंगे। मोटे तौर पर देखा जाए तो वैसे दिन आपका अच्छा ही होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस के जी आपके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप खास करके शादीशुदा हो तो आपके वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे आपको बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड जो मदद हम जो बोलते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, उसी प्रकार आप में और आपके वैवाहिक जुड़ेदार में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आज के दिन उसमें से कुछ ना कुछ तो हल निकल के आ जाएगा जो कि पॉजिटिव रहेगा आने वाले दिनों के लिए। उसी तरह जहां पर आप काम करते हैं वहां पर की परिस्थितियां भी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएगी। तो आज का आपका जो दिन है मीन राशियों का बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। तो दोस्तों ये था दिनांक 29 दिसंबर के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।